तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो मैंने ऐसे इसलिए स्टार्ट किया है ताकि मैं इसकी मस्ती दिखा सकूँ आपको। हम लोग इतनी मस्ती एक दूसरे के साथ करते गाइस, वो आप मान भी नहीं सकते। और इसका एनुअल डे आना था इसलिए वो बहुत ज़्यादा फुल में आ रहा था। और इसकी अब देखिए गाइस, इतना नौटंकी करेगा ना, देखो 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 देखो। देखिए गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने कपड़े पहन लिए हैं, धैर्य के कपड़े पहनना बाकी है। धैर्य हाय बोलो। नहीं अभी मूड आया नहीं है हमारा, अभी हम एक्चुअली ड्रेसअप होने वाले हैं। हमको कॉस्ट्यूम दिया गया है, हम वो पहनेंगे। मेरा भी मेकअप, मेरा भी हेयर बाकी है। हम जल्दी जल्दी रेडी होके आपसे मिलते हैं, ओके? नहीं। और मारो बच्चू, चलो रेडी करो। हे धैर्य के कपड़े एकदम टॉप टॉप। ओके गाइस, इसका कॉस्ट्यूम तेरे ऐसे ठहर के बताओ। अरे वाह, अब मूड आ रहा है, धीरे धीरे मूड आ रहा है। ये सारा मेकअप धैर्य के लिए। आई नो इतने छोटे बच्चे के लिए मेकअप नहीं करना चाहिए, बट आज तो डांस है ना, आज तो करना है ना, करना है कि नहीं? स्टिक, पहले क्रीम, थोड़ी थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे। हाँ, स्किन अच्छी हो जाएगी ना। अरे बाप रे, मेरा बेबी अच्छा अच्छा रेडी हो जाएगा आज, है ना बेबी? हाँ बर्थडे लगवाना चाहते तो मेरी हालत तो देखो। साथे साथे हूँ पर रेडी थी जाओ, कितने रेडी करूँ पहला? हम थोड़ा सा फाउंडेशन लगाएंगे। धैर्य तो गोरा ही है वैसे तो, फिर भी धैर्य को थोड़ा बहुत तो फाउंडेशन लगाना पड़ेगा ना। वैसे ऊपर देखो, ओहो ओहो, ये धैर्य का फाउंडेशन लग गया। आप स्पंज से कौन साफ करेगा? देखो, एंड धैर्य एकदम टॉप टॉप रेडी। धैर्य तू छोकरी हो तो बधाई करना मैंने कहते। क्या है मेकअप? पहले पाउडर कर देंगे। देखो आई रही आई रही। अबे आम आदमी क्यों कलर करसू? दिस वन। देखो आईज बंद करो। अरे वाह, तेरे खाली आज ही है तेरे, रोज मेकअप नहीं करने का है ना? हाँ। फिर आईज खराब हो जाएगी ना। अब गालों पे एंड धैर्य यहाँ पे दिखाओ, दिखाओ यहाँ पे फेस। हाय हाय, कैसे लग रहा है? टॉप टॉप। ऊपर थी गई थी थी। आईन नहीं चोरानी, आईन नहीं चोरानी, आईन चोरे तो बुरो खराब थी गई। थी गयो, डन, वी आर डन। कान में हे मेरे बशी, ए मेरी कुजुबली, तेरे हाय बोल, एक बार हाय बोल ना। हाय। चलो। धैर्य धैर्य की मम्मी। एक्चुअली मैं और मेरी फ्रेंड्स हम थोड़ा जल्दी ही जाके बैठ गए थे ताकि हमको बराबर से एट द मिडिल वो जगह मिल जाए जहाँ से हमको धैर्य का परफॉर्मेंस एकदम परफेक्ट से दिखना लगे। हमारे बीच हमारे चीफ गेस्ट आने वाले हैं। और जब तक चीफ गेस्ट नहीं आए थे तब तक फैमिली के साथ गेम टाइम था, बहुत मजा आई, बहुत एंजॉय किया, बहुत फनी जोक्स थे। चीफ गेस्ट के आने के पहले जो लोग जल्दी आ गए थे उनके लिए सबसे पहले घर है, तो
तो अभी आप लोगों की बारी है उन सवालों के जवाब देने के लिए। तो मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करूंगी और आपको उसका जवाब देना है। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिसको भी जवाब आता है वो अपना हाथ ऊपर करे, प्लीज बोल के मत बताए। मैं जिसके पास आऊंगी वो ही आप लोग बच्चों को बोलते ना शायरी होता है बेटा। ओके एक्चुअली हमारे बच्चों का फर्स्ट परफॉर्मेंस था, हमारे में बहुत सारे बच्चे थे तो एक्साइटमेंट सभी पेरेंट्स की उतनी ही थी। ऑलमोस्ट सभी पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों का हौसला बढ़ाने आए थे जो कि बहुत अच्छा था। यहाँ पे भी फनी गेम्स में सभी पार्टिसिपेट कर रहे थे और सभी ने बहुत एंजॉय किया। घर से कम एक बच्चा तो देश के लिए हमारे बच्चे को देश के लिए करेगा वो कोई फील कर नहीं कर सकता। एक्चुअली जो फौजर होते हैं उनकी पूरी जिंदगी है सीमा के ऊपर अपने काम करने के, अपने फैमिली से दूर रहकर उनकी ड्यूटी बहुत मुश्किल तरीके से होती है। बाबू की दिन खुशी चलो बना चल बनाए आशिया है ना। कितनी सुंदर हो बरेली के बाजार में, बरेली के बाजार में झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका। एंड गाइज हमने भी सॉन्ग गाया था बट मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट मेरी फ्रेंड ने क्लिप लिया था जो मैं व्लॉग के साथ अटैच कर रही हूँ। साथ हम गए थे वही गेस्ट चीफ गेस्ट थे, शी इज़ अ सोशल वर्कर एंड पॉलिटिशियन, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बोला था, सॉफ्ट स्पोकन एंड वेरी गुड इन नेचर। एंड जैसे ही चीफ गेस्ट आए फिर उसके बाद उनका एक वार्म वेलकम एंड देन सरस्वती पूजा, फिर डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट हुए आफ्टर अ स्मॉल स्पीच बाय हर। गाइज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी धैर्य को स्टेज पे फर्स्ट टाइम देखते हुए, मेरे एक्सप्रेशन मतलब मेरे बीच बीच के बोलने से आप समझ ही जाओगे। सो बेयर दैट वॉइस गाइस। बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने।
सॉरी एवरीवन, मैं सिर्फ थेरेपी पे कॉन्सेंट्रेट करके ही मैंने वीडियो लिया. मैंने मतलब दूसरे बच्चों को देखा भी नहीं, जो कि नहीं अच्छा लगा. बट क्या करूँ, वो फर्स्ट टाइम कर रहा था ना, तो मेरी नज़र उससे हट ही नहीं रही थी. उसने एक बार भी घर पे डांस करके नहीं दिखाया था, हम सबके लिए सरप्राइज़ था. और मेरे एक्सप्रेशन, मेरे आवाज़ से आपको समझ ही रहा होगा कि मैं कितना एक्साइटेड थी, कितना नर्वस भी थी. और बहुत अच्छा किया. एंड थैंक यू टीचर्स. मतलब मैं सच में बोलना चाहती हूँ, टीचर्स की बहुत बड़ी हेल्प होती है इन बच्चों को संभालना. हम एक नहीं संभाल सकते, ये इतनों को संभालते हैं. और इतनी तरह अच्छी तरह से संभाल के पूरा डांस कंप्लीट करवाया. हैट्स ऑफ टू डैम. बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी. मुझे बताया कि 1.5 मंथ से उन लोगों की प्रैक्टिस चालू थी. कभी मूड रहता था, कभी नहीं रहता था, कभी जाने का मन होता था, स्कूल नहीं होता था. पर बहुत अच्छी तरह से बच्चों ने डांस किया. और जैसे ही अनाउंसमेंट हुई बच्चों को लेने जाने की, तो जैसे कि फर्स्ट डे छूटने पर स्कूल पे कैसे पेरेंट्स आ जाते हैं, वैसे ही सारे पेरेंट्स आ गए थे बच्चों को लेने. तो वो एक्साइटमेंट थी उनको लेने आने की, जो मैं सभी के फेस से आप देख ही सकते हो कि वो एक खुशी थी कि एक फर्स्ट परफॉर्मेंस के बाद की. इससे ज़्यादा मैं ना कुछ बोल सकती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स ऑलरेडी ये समझ सकते हैं कि उन पे क्या बीत रही थी तब जब वो लेने जा रहे थे. हाय बेबी. गाइस उसके बाद डिनर के लिए बाहर गए थे. तो ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ. अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.